चल मन बाउर देखे हो चेहरा के लाली हो देखियो स्वामी जी तो साथ साथ गए थे लेकिन आज अकेले वापस आए हैं। कहाँ छोड़कर आ गए मेरे स्वामी जी को? क्या कुशल है देवर जी? हे भाभी जी, मैं कुशल क्या बचाऊं? जुलुम बीत गए, परले हो गए, अब मोहबा हो जाएगा अत्याचार। क्या? हे भाभी जी। हाँ देवर जी। राजा पृथ्वी चौहान ने सभा को लगाया हुआ था राज दिल्ली में, किला 50 को राजा, 51 को राजा वहां पहुंचे हुए थे। बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े मंत्रीगण वहां पहुंचे थे राजधानी में। उड़ियल को रहने वाले मामा माहिल भी पहुंचे थे। भाई विदेशन, हम भी साथ साथ जब उस सभा में पहुंचे तो उस सभा में उड़ियल को रहने वाले मामा माहिल ने बोला के देश देश के राजागण, ये सभा अशुभ हो गया, अशुभ हो गया, अशुभ हो गया। क्यों? कि जिसको पुत्र नहीं है वो सभा में जाते हैं तो अंचल नहीं मिलता है, इसीलिए वो सभा को आरंभ कर दिया। राजा लोग अपने अपने घर को चला गए। भाभी जी, उसके बाद में भाई उदयचंद ने आकर श्रीमती गंगा में डूबने के लिए क्या कहा देवर जी आपने? तो मैंने एक उक्ति सोचा कि देखो भाई, इस समय हमारे पहला पंचांग छूट गया है राज पिंजरी, मैं राज पिंजरी जाता हूँ, यहाँ से पहला पंचांग लेकर के इस पर श्रीमती गंगा के तट पर अपने तेज शास्त्र को बचूंगा। उस समय में अगर तुम डूब करके मिल जाएगा, मर जाएगा, तो तुम्हारा स्वर्ग लोक उनसे छल करके मैं आया हूँ। क्या इस समय ज्ञान क्रिया बिनु व्यर्थ है, नरजो व्यर्थ है ज्ञान, साना पति बिनु साय नहीं तो पति बिनु तिरिए जान। जिसको पास में ज्ञान है अगर कर्म नहीं करते हैं तो व्यर्थ है, अज्ञान से नर मारा जाता है, साना पति बिनु साना मारी जाती है। पति के बिछुर होने से
हैं देवकी, क्या इस समय मारा महल को बात सुनकर मेरे स्वामी जी एक पुत्र के कारण इस समय नदी गंगा में डूबने के लिए जा रहे हैं? पुत्र है Yeah.
हे माँ गंगे, इस संसार में तेरा नाम प्रसिद्ध है माँ। बड़े से बड़े पापियों को तू पाप नष्ट के तार देती हो। आज की बारी उदल का है माँ, उदल जैसे अभागे पापी को भी आज तार देवा, क्योंकि उदल का जिंदगी एक पुत्र कारण बोझ बन चुका है। माँ, मैं तेरे गोद में आ रहा हूँ, हे पतित पावनी गंगा, उदल को भी तार देवा। ये माता सुनेंगे गंगा के ये